दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं टॉप गन पार्ट टू के बारे में दोस्तों टॉप वन एक जैसे जो एक जैसे मूवी है टॉप वन उसने जो कलेक्शन दिया है बिलियन्स के अंदर कलेक्शन दिया था और लोगों द्वारा भी इसे बड़ा पसंद किया गया था जी हाँ दोस्तों एयरफोर्स से रिलेटेड ये मूवी थी और बहुत ज़्यादा लोगों द्वारा इसे पसंद किया गया है तो आज हम इसके दूसरे पार्ट के बारे में अपडेट लेकर आए हैं इस वीडियो के माध्यम से तो यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती हैं यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन से सेट कर लीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी वीडियो है वो आप तक पहुँचते रहे तो दोस्तों अब हम इसके बारे में एक तरह से जानना चालू करते हैं टॉप गन मेवरिक एक दो अमेरिकी एक्शन ड्रामा फिल्म है जो जोसेफ कोसंसकी द्वारा निर्देशित और पीटर क्रेग और जस्टिन मार्क्स की कहानियों से एहरन क्रूगर एरिक वॉर सिंगर और क्रिस्टोफर मैक्वेरी द्वारा लिखित है ये फिल्म उन्नीस की फिल्म टॉप गन का सीक्वल है टॉम क्रूज ने नौसैनिक एविएटर मेवरिक के रूप में अपनी अभिनीत भूमिका दोहराई है ये जिम कैश और जैक एप्स जूनियर द्वारा बनाई गई मूल फिल्म के पात्रों पर आधारित है इसमें माइल्स टेलर जेनिफर कोनेली जॉन हैम ग्लेन पॉवेल मोनिका बार्बेरो लुइस पुलमै न एड हैरिस और वेल किल्मर भी हैं जो अपनी भूमिका को दोहराते हैं मानव के रूप में कहानी में मेवरिक को एक ख़तरनाक मिशन के लिए अपने मृत सबसे अच्छे दोस्त के बेटे सहित युवा टॉप गन स्नातकों के एक समूह को प्रशिक्षित करते समय अपने अतीत का सामना करना पड़ता है पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा 2010 में टॉप गन सीक्वल के विकास की घोषणा की गई थी निर्माता जेरी ब्रुखाइमा और निर्देशक टोनी स्कॉट के साथ टॉम क्रूज को वापस लौटने के लिए कहा गया क्रेग ने 2012 में पटकथा का एक मसौदा लिखा था लेकिन उस वर्ष बाद में स्कॉट की मृत्यु हो जाने से परियोजना रुक गई छह टॉप गन मेवरिक को बाद में स्कॉट की स्मृति में समर्पित कर दिया गया सात कोसिंस्की को निर्देशन के लिए नियुक्त किए जाने के बाद 2017 में उत्पादन फिर से शुरू हुआ प्रिंसिपल फोटोग्राफी जिसमें आईमैक्स प्रमाणित 6K फुल फ्रेम कैमरों का उपयोग शामिल था मई 2018 से अप्रैल 2019 तक कैलिफोर्निया वाशिंगटन और मैरीलैंड में हुई ये पहले 12 जुलाई 2019 को रिलीज होने वाली थी लेकिन इसके जटिल एक्शन दृश्यों और बाद में कोविड 19 महामारी के कारण इसमें कई बार देरी हुई महामारी के दौरान कई स्ट्रीमिंग कंपनियों ने पैरामाउंट से फिल्म के स्ट्रीमिंग अधिकार खरीदने का प्रयास किया लेकिन क्रूज़ के आदेश पर सभी प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया गया जिन्होंने जोर देकर कहा कि इसे विशेष रूप से सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा टॉप गन मेवरिक का प्रीमियर 28 अप्रैल 2022 को सिनेमाकॉन में हुआ और 27 मई 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका में पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा नाटकीय रूप से रिलीज किया गया फ़िल्म को आलोचकों द्वारा सराहा गया कई लोगों ने इसे पहली फ़िल्म से बेहतर माना आठ इसने नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू से सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म का पुरस्कार जीता और अमेरिकी फ़िल्म संस्थान द्वारा इसे 2022 की शीर्ष दस फ़िल्मों में से एक नामित किया गया टॉप गन मेवरिक को पचानवे अकादमी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ चित्र सहित में छह पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया सर्वश्रेष्ठ ध्वनि का पुरस्कार मिला और कई अन्य पुरस्कार प्राप्त हुए फिल्म ने दुनिया भर में 1.496 डॉलर्स बिलियन की कमाई की जिससे ये 2022 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और क्रूज के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई एक अगली कड़ी विकास में है कथानक इस लेख का कथानक सारांश बहुत लंबा या अत्यधिक विस्तृत हो सकता है कृपया अनावश्यक विवरण हटाकर और इसे अधिक संक्षिप्त बनाकर इसे बेहतर बनाने में मदद करें अप्रैल 2024 जाने कि इस टेम्पलेट संदेश को कैसे और कब हटाना है टॉप गन से स्नातक होने के 30 से अधिक वर्षों के बाद ए यूनाइटेड स्टेट्स नेवी कैप्टन पीट मेवरिक मिशेल एक सम्मानित परीक्षण पायलट हैं जिनकी बार बार की अवज्ञा ने उन्हें फ्लैग रैंक से दूर रखा है बी जब रिया एडमिरल चेस्टर हैमर कैन ने मेवरिक के हाइपरसोनिक डार्कस्टार्स क्रमजेट कार्यक्रम को रद्द करने की योजना बनाई तो मेवरिक ने एकतरफा रूप से उस दिन के परीक्षण के लिए लक्ष्य गति को मैक 9 से मैक 10 के अंतिम अनुबंध विनिर्देश में बदल दिया हालांकि प्रोटोटाइप नष्ट हो गया है जब वो मैक दस से आगे बढ़ का विरोध नहीं कर सकता उड़ान के बाद कैन ने मेवरिक से कहा कि अगर मेवरिक के दोस्त और पूर्व टॉप गन प्रतिद्वंद्वी एडमिरल टॉम आइसमैन कजांस नहीं होते तो उसे ज़मीन पर उतार दिया जाता आइसमैन जो अब यूएस पैसिफिक फ़्लीट का कमांडर है ने मेवरिक को एनएएस नॉर्थ आइलैंड के टॉप गन स्कूल में नियुक्त किया है नौसेना को एक गैर स्वीकृत यूरेनियम संवर्धन संयंत्र को चालू होने से पहले नष्ट करने का आदेश दिया गया है घाटी के अंत में एक भूमिगत बंकर में स्थित संयंत्र सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों एसएम जीपीएस जैमर और पीढ़ी के केएसयू सत्तावन लड़ाकू विमानों के साथ साथ पुराने एफ चौदह टॉमकैट्स द्वारा संरक्षित है मेवरिक ने लेजर निर्देशित बमों से लेस 18 सुपर हॉनेट के दो जोड़े को नियोजित करने की योजना तैयार की है लेकिन हड़ताल में भाग लेने के बजाय उसे एयरबॉस वाइस एडमिरल ब्यू द्वारा इकट्ठे किए गए शीर्ष गन स्नातकों के एक विशिष्ट समूह को प्रशिक्षित करना है चक्रवात सिम्पसन मेवरिक अपने शक्की छात्रों से डॉगफाइट करता है और हर प्रतियोगिता में जीत हासिल कर उनका सम्मान जीतता है दो छात्र आपस में भिड़ गए लेफ्टिनेंट जैक जल्लाद सैरोसिन और ब्रेडली रूस्टर ब्रेड मेवरिक के मृतक सबसे अच्छे दोस्त और निक गूज ब्रेडशो के बेटे रोस्टर को जल्लाद का घुड़सवार रवैया नापसंद है जबकि जल्लाद रूस्टर की सतर्क उड़ान की आलोचना करता है मेवरिक पूर्व प्रेमिका पैनी बेंजामिन के साथ फिर से जुड़ता है जिसे वह बताता है कि उसने रूस्टर की मरती हुई माँ से वादा किया था कि रोस्टर पायलट ना ही बनेगा मुर्गा वादे से अनभिज्ञ गुस्से में मेवरिक द्वारा उसके नौसेना अकादमी के आवेदन को रोकने उसके सैन्य करियर में बाधा डालने के लिए नाराज होता है और उसे अपने पिता की मृत्यु के लिए दोषी ठहराता है मेवरिक रूस्टर के करियर में और हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक है लेकिन विकल्प उसे बेहद खतरनाक मिशन पर भेजना है वह अपने संदेह आयुष्मैन को बताता है जिसे गले का अंतिम कैंसर है आइसमैन उससे कहता है ये जाने देने का समय है और उसे आश्वस्त करता है कि नौसेना और रोस्टर दोनों को मेवरिक की ज़रूरत है इसके तुरंत बाद आइसमैन की मृत्यु हो जाती है और प्रशिक्षण के दौरान एफ ए एटीन एफ के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद साइक्लोन ने मेवरिक को प्रशिक्षक के पद से हटा दिया वह मिशन मापदंडों में ढील देता है जिससे उन्हें निष्पादित करना आसान हो जाता है लेकिन बच निकलना अधिक कठिन हो जाता है चक्रवात की घोषणा के दौरान मेवरिक मूल मापदंडों के साथ पाठ्यक्रम के माध्यम से एक अनधिकृत उड़ान बनाता है ये साबित करता है कि यह किया जा सकता है अवज्ञा के कार्य के बावजूद साइक्लोन अनिच्छा से मेवरिक को टीम लीडर के रूप में नियुक्त करता है मेवरिक लीड अठारह ई उड़ाता है उसके साथ लेफ्टिनेंट नताशा फिनिक्स ट्रेस और डब्ल्यूएसओ लेफ्टिनेंट रॉबर्ट बॉब फ्लॉयड द्वारा उड़ाया गया बड़ी लेजिंग 18 एफसी होता है रोस्टर दूसरी स्ट्राइक जोड़ी का नेतृत्व करता है जिसमें लेफ्टिनेंट रूबेन पेबैकफिच और डब्ल्यूएसओ लेफ्टिनेंट मिकी फैनबॉय गाजिया शामिल हैं चार जेट एक विमानवाहक पोत से लॉन्च होते हैं और टोमोहॉक क्रूज मिसाइलें पास आते ही पास के हवाई अड्डे को नष्ट कर देती हैं टीमें संयंत्र को नष्ट कर देती हैं लेकिन एसएएम उनके भागने के दौरान गोलियां चला देते हैं रोस्टर के पास जवाबी कार्रवाई ख़त्म हो जाती है और मेवेरिक उसे आने वाले हमले से बचाने के लिए अपने विमान का बलिदान देता है मावेरिक को मरा हुआ मानते हुए सभी जेटों को वाहक को वापस भेजने का आदेश दिया जाता है लेकिन रोस्टर अवज्ञा करता है और वापस लौटता है और पाता है कि मावेरिक बाहर निकल गया है और एम आई चौबीस हमले के हेलीकॉप्टर द्वारा उसका पीछा किया जा रहा है गनशिप को नष्ट करने के बाद रूस्टर को एक एसएएम द्वारा गोली मार दी जाती है और वह बाहर निकल जाता है दोनों मिलते हैं और क्षतिग्रस्त द एयरबेस से एफ चौदह चुरा लेते हैं मेवरिक और रोस्टर दो इंटरसेप्टिंग सू सत्तावन को नष्ट कर देते हैं लेकिन तीसरा हमला करता है क्योंकि उनके पास गोला बारूद और जवाबी उपाय ख़त्म हो जाते हैं जल्लाद अप्रत्याशित रूप से उसे मार गिराने के लिए समय पर पहुंच जाता है और विमान सुरक्षित वापस लौट आते हैं बाद में रूस्टर मेवरिक को उसके पी इक्यावन मस्टैंक पर काम करने में मदद करता है जब पेनी और मेवरिक पी इक्यावन में उड़ान भरते हैं तो रूस्टर अपने मिशन की सफलता की एक तस्वीर देखता है जो उसके दिवंगत पिता और एक युवा मेवरिक की तस्वीर के साथ लगी हुई है कास्ट करें कैप्टन पीट मेवरिक मिशेल के रूप में टॉम क्रूज एक परीक्षण पायलट और उड़ान प्रशिक्षक एक विशेष मिशन के लिए टॉप गन स्नातकों के एक समूह को प्रशिक्षण दे रहे हैं ग्यारह लेफ्टिनेंट ब्रैडली रूस्टर ब्रैड के रूप में माइल्स टेलर मिशन प्रशिक्षण समूह में एक अठारह ई पायलट वो मेवरिक के दिवंगत आरायो और सबसे अच्छे दोस्त एलटीजेजी गूज और कैरोल ब्रैडशॉ के बेटे हैं रोस्टर को पहले टॉप गन में जुड़वा बच्चों आरोन और एडम वीस द्वारा बिना मान्यता वाली भूमिकाओं में चित्रित किया गया था जेनिफर कोनेली पेनेलो पेनी बेंजामिन के रूप में मेवरिक की प्रेम रुचि फिर से जाग उठी जो एक अकेली माँ एक बार मालिक और एक एडमिरल की बेटी है डी जॉन हेम वाइस एडमिरल ब्यू साइक्लोन सिंपसन के रूप में नौसेना वायुसेना के कमांडर एलटी जैक जल्लाद सैरसिन के रूप में ग्लेन पॉविल एक 18 ई e. पायलट और मिशन उम्मीदवार एड हैरिस रिया एडमिरल चेस्टर हैमर कैन के रूप में मेबरिक के वरिष्ठ और डार्कस्टार कार्यक्रम के प्रमुख ई बारा एडमिरल टॉम आइसमैन कजांसकी के रूप में वैल किल्मर अमेरिकी प्रशांत बेडे के कमांडर करीबी दोस्त और मेवरिक के पूर्व प्रतिद्वंद्वी एलटी रॉबर्ट बॉब फ्लॉयड के रूप में लुईस पुलमैन फिनिक्स का 18 एफ डब्ल्यूएसओ और मिशन उम्मीदवार एफ चार्ल्स पार्नेल रियर एडमिरल सोलोमन वॉलॉक बेट्स के रूप में नेवल एविएशन वार फाइटिंग डेवलपमेंट सेंटर के कमांडर और मेवरिक के परिचित मुख्य वारंट अधिकारी के रूप में बशीर सलाहुद्दीन चार बनी होंडो कोलमैन मेवरिक का एक मित्र एल्टी नताशा फिनिक्स ट्रेस के रूप में मोनिका बारबेरो एक अठारह एफ पायलट और मिशन उम्मीदवार जेएलएस एलिस रूबेन पेबैक फिच के रूप में एक अठारह एफ पायलट और मिशन उम्मीदवार एल्टी मिकी फैनबॉय गाजिया के रूप में डैनी रामिरेज पेबैक का अठारह एफ डब्ल्यूएसओ और मिशन उम्मीदवार जेवी कोयोट मचाडो के रूप में ग्रेग टार्जन डेविस एक अठारह ई पायलट और मिशन उम्मीदवार एलटी बिली फ्रिट्स एवालोन के रूप में मैनी जैसिंटो एक अठारह ई पायलट और मिशन उम्मीदवार एलटी लोगन येल ली के रूप में रेमंड ली एक अट्ठारह एफ पायलट और मिशन उम्मीदवार एलटी ब्रिगम हावर्ड लेनोक्स के रूप में जैक पिकिंग येल का अठारह एफ डब्ल्यूएसओ और मिशन उम्मीदवार एलटी नील ओमाहा विकेंडर के रूप में जैक शुमाकर एक अठारह एफ पायलट और मिशन उम्मीदवार कारावांग एलटी कैली हेलो बेसेट के रूप में ओमाहा का अठारह एफ डब्ल्यूएसओ और मिशन उम्मीदवार अमेलिया बेंजामिन के रूप में लिलियाना रे पेनी की बेटी सारा कजांस्की के रूप में जीन लुइसा केली आइसमैन की पत्नी जिमी के रूप में जेम्स हैंडी पेनी बार में एक बूढ़ा बाटेंडर मिशन नियंत्रक के रूप में छिदो नवोकोचा एडमिरल की सहयोगी के रूप में चेल्सी हैरिस टॉप गन के संग्रह फुटेज में एंथनी एडवर्ड्स मेग रयान साथ ही आरोन और एडम वीस ब्रैडशॉ परिवार के रूप में दिखाई देते हैं साथ ही केली मैगिलिस चार्लोट चाली ब्लैकवुड के रूप में दिखाई देते हैं उत्पादन विकास 1990 में बॉर्न ऑन द फोर्थ ऑफ जुलाई उन्नीस के प्रचार के दौरान टॉम क्रूज ने टॉप गन उन्नीस के सीक्वल की धारणा को गैर जिम्मेदाराना कहकर खारिज कर दिया तेरह पैरामाउंट पिक्चर्स ने जेरी ब्रुकहाइमर और टोनी स्कॉट को टॉप गन का सीक्वल बनाने की पेशकश करने के बाद 2010 में फिल्म पर विकास शुरू किया जिसमें टॉम क्रूज ने अपनी भूमिका दोहराई जब स्कॉट से एक नई टॉप गन फिल्म के बारे में उनके विचार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया इस दुनिया ने मुझे आकर्षित किया क्योंकि यह मूल रूप से जो थी उससे बहुत अलग है लेकिन मैं रीमेक नहीं बनाना चाहता मैं नहीं करना चाहता पुनर्निर्माण मैं एक नई फिल्म करना चाहता हूँ चौदह ये बताया गया कि फिल्म डॉग फाइटिंग युग के अंत पर ध्यान केंद्रित करेगी पंद्रह आधुनिक हवाई युद्ध में ड्रोन की भूमिका सोला और क्रूज के चरित्र मेवरिक को अठारह ई सुपर उड़ाते हुए देखा जाएगा होनेट सत्रह दो हज़ार बारह में स्कॉट की मृत्यु के बाद सीक्वल का भविष्य अनिश्चित हो गया लेकिन निर्माता जेरी ब्रुकहाइमर परियोजना के लिए प्रतिबद्ध रहे विशेष रूप से क्रूज और किल्मर द्वारा व्यक्त की गई र को देखते हुए अठारह क्रूज़ ने जून 2017 में खुलासा किया कि सीक्वल का नाम टॉप गन मेवरिक होगा ये देखते हुए कि वह शीर्षक में कोई नंबर नहीं चाहते थे उन्नीस उन्होंने कहा कि यह फ़िल्म पहली फ़िल्म की तरह ही एक प्रतिस्पर्धी फ़िल्म होने जा रही है लेकिन उन्होंने इसे मेवरिक के लिए एक प्रगति के रूप में स्पष्ट किया 20-21 जुलाई 2017 तक क्रूज ऑन ओब्लिवियन 2013 के साथ सहयोग करने के बाद जोसफ़ कोसिंस्की को निर्देशक के रूप में घोषित किया गया था बाईस तेईस कोसिंस्की की मुलाकात मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट 2018 के सेट पर्क रूस से हुई उन्होंने अपनी नियुक्ति से पहले एक लुकबुक एक पोस्टर और एक शीर्षक टॉप गन मेवरिक प्रदान किया इसके बाद क्रूज़ ने जिम जियानोपुलोस से संपर्क किया और फ़िल्म बनाने का अनुरोध किया 24 19 जून 2019 को बार्सिलोना के सिनेयूरोप में उपस्थित लोग पहली बार एक विशेष पैरामाउंट प्रस्तुति से फिल्म के कुछ शुरुआती फ़ुटेज देख पाए प्रेजेंटेशन के दौरान इंटरनेशनल थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अध्यक्ष मार्क वियान और वर्ल्डवाइड मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की सह अध्यक्ष मैरी डेली प्रमोशन के एक हिस्से के रूप में फ़्लाइट कपड़ों में दिखाई दी 25 2019 में चीन के टेंसेंट ने फिल्म में 12 पाँच प्रतिशत का निवेश किया लेकिन बाद में उस वर्ष के अंत में इस चिंता के कारण परियोजना से बाहर हो गए कि फ़िल्म के विषय चीनी सरकार को नाराज़ कर सकते हैं छब्बीस लेखन 2010 के मध्य तक क्रिस्टोफर मैक्वेरी को सीक्वल की पटकथा लिखने का प्रस्ताव मिला जिसमें अफवाह थी कि क्रूज़ का चरित्र मेवरिक एक छोटी भूमिका में था सत्ताईस अगले वर्ष एशले एडवर्ड मिलर और जैक स्टैंस को परियोजना पर पटकथा लेखक के रूप में श्रेय दिया गया अट्ठाईस स्टूडियो ने बाद में मार्च 2012 में स्कॉट के निर्देशन में एक नई पटकथा का मसौदा तैयार करने के लिए पीटर क्रेग को नियुक्त किया उनतीस हालांकि उसी वर्ष अगस्त में स्कॉट की आत्महत्या के कारण परियोजना अप्रत्याशित रूप से रुक गई थी तीस मार्च 2014 में ब्रुखाइमा ने कहा कि फ़िल्म निर्माता एक नया दृष्टिकोण अपना रहे थे जिसमें पायलटों को ड्रोन द्वारा अप्रचलित किया जाना शामिल था 31 सितंबर 2014 में सीक्वल को आधिकारिक तौर पर पुनर्जीवित किया गया जस्टिन मार्क्स ने पटकथा लिखने के लिए बातचीत शुरू की बत्तीस मार्क्स ने कहा कि टॉप गन का सीक्वल उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था और मूल उनकी याद में एक प्रतिष्ठित फिल्म थी जिसने उन्हें पटकथा लिखने के लिए प्रेरित किया तैंतीस उन्होंने मौजूदा दौर में टॉप गन का प्रतिनिधित्व कैसे किया जाएगा की कि जानकारी हासिल करने के लिए एफ़ पैंतीस ज्वाइंट स्ट्राइक फाइटर पर शोध किया तैंतीस उस फिल्म में मेवरिक अपने शुरुआती बीसवें वर्ष में था और अब वह अपने पचासवें वर्ष में है यह एक अलग यात्रा होनी थी लेकिन यह महत्वपूर्ण था कि यह एक व्यक्ति के लिए उसके जीवन के एक अलग चरण में एक यात्रा थी हम टॉप गन के बारे में सोचते हैं एक एक्शन फिल्म लेकिन मैं इसे एक नाटक के रूप में सोचता हूँ इसमें कुछ अविश्वसनीय एक्शन दृश्य हैं लेकिन इसके केंद्र में एक नाटक है कोसिंसकी टॉप गन मेवरिक की नई स्क्रिप्ट पर चौंतीस स्कॉट ने स्पष्ट रूप से स्क्रिप्ट को अंतिम रूप दे दिया था और स्थानों की तलाश शुरू कर दी थी अपनी मृत्यु से एक सप्ताह पहले उन्होंने और क्रूज ने नेवादा के नेवल एयर स्टेशन फॉलनर का दौरा किया पैंतीस हॉलीवुड रिपोर्टर ने कहा कि टॉप गन सीक्वल उन्नत विकास में तीन निर्देशन परियोजनाओं में से एक था छत्तीस 2017 में पेरिस में स्क्रिप्टिंग चर्चा के दौरान जहां क्रूज मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट की शूटिंग कर रहे थे कोसिंसकी ने क्रूज़ को दो विचार दिए चौबीस सैंतीस पहला मेवरिक और गूज के बेटे के बीच टूटे रिश्ते पर केंद्रित था जो एक खतरनाक युद्ध मिशन के खिलाफ था दूसरा स्टार कार्यक्रम के हिस्से के रूप में नौसेना में मेवरिक की वर्तमान स्थिति और इसके आसपास की गोपनीयता पर केंद्रित था सैंतीस निर्देशक के रूप में कोसिंसकी के साथ ओनली द ब्रेव दो के पटकथा लेखक एरिक वॉर सिंगर अगस्त दो तक स्क्रिप्ट को फिर से लिखने के लिए फिल्म में शामिल हो गए अड़तीस उनतालीस अक्टूबर 2018 में क्रूज के लगातार सहयोगी मैक्वेरी थे उत्पादन के दौरान पुनर्लेखन के लिए लाया गया 40 मैक्वेरी ने लेखन प्रक्रिया के दौरान पहली फिल्म को ज्यादातर नज़रअंदाज करने का विकल्प चुना उन्होंने तैयारी में ब्लू एंजल्स के साथ उड़ान भी भरी इकतालीस जनवरी दो तक अंतिम पटकथा का श्रेय एरिन क्रूगर सिंगर और मैक्वेरी को दिया गया जबकि कहानी का श्रेय क्रेग और मार्क्स को दिया गया बयालीस तैंतालीस उनकी पहली प्रमुख फिल्म विशेष प्रभाव वाली ट्रॉन लिगेसी थी आठ नौ ये फिल्म डिज्नी डिजिटल तीन डी और आईमैक्स तीन डी में थी दिसंबर 2010 में रिलीज हुई और इसने दुनिया भर में 400 डॉलर मिलियन की कमाई की दस 2005 में लॉस एंजल्स जाने के बाद उन्होंने एक फ़िल्म उपचार लिखना शुरू किया जो अंततः रेडिकल कॉमिक्स के लिए ओब्लिवियन शीर्षक से एक अप्रकाशित ग्राफ़िक उपन्यास में विकसित हुआ 11 अगस्त 2010 में वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स ने काम के अधिकार हासिल कर लिए 12 विलियम मोनाहन ने एक फ़िल्म रूपांतरण के लिए पटकथा पर काम किया आठ मार्च दो में ये बताया गया कि काल गजडसे पटकथा को फिर से लिखेंगे तेरा फिल्म को पीजी रेटिंग के साथ रखने के प्रयास असफल रहे जिसके कारण डिज़्नी ने यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा हासिल का एक गए अधिकार छोड़ दिए और पीजी तेरा रेटिंग के लिए सहमत हो गया 120 मिलियन डॉलर के बजट वाली ओब्लिवियन का फ़िल्मांकन मार्च 2012 में शुरू हुआ जिसमें टॉम क्रूज मुख्य भूमिका में थे और मिश्रित समीक्षाओं के साथ अप्रैल 2013 में रिलीज हुई और दुनिया भर में दो मिलियन डॉलर की कमाई की टॉप गन मेवरिक को 27 मई 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका में पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था जिसकी अग्रिम स्क्रीनिंग एक दिन पहले शुरू हुई थी एक यह मूल रूप से 12 जुलाई 2019 को रिलीज होने वाली थी लेकिन कई जटिल एक्शन दृश्यों को शूट करने के लिए इसे 26 जून 2020 तक विलंबित कर दिया गया 140 मार्च 2020 तक पैरामाउंट ने फ़िल्म को दो दिन पहले 24 जून 2020 को आगे बढ़ा दिया 141 और फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित चल रही कोविड 19 महामारी के कारण इसे 23 दिसंबर तक दिया गया 142,143 हंड्रेड तेईस जुलाई 2020 को फिल्म को फिर से 2 जुलाई 2021 तक विलंबित कर दिया गया आंशिक रूप से क्रूज के साथ शेड्यूलिंग टकराव के कारण साथ ही साथ मुलान और टेनेट की हाल ही में सीओवीआईडी 19 के बढ़ने के कारण देरी हुई मामले 144 और मई 2022 की रिलीज की तारीख को अंतिम रूप देने से पहले इसे 19 नवंबर 2021 हजार 145 तक विलंबित कर दिया गया एक फिल्म का विश्व प्रीमियर 28 अप्रैल 2022 को सिनेमाकॉन में हुआ था 146 जिसके बाद 4 मई को सैन डिएगो के सैन डिएगो सिविक थिएटर में एक वैश्विक प्रीमियर आयोजित किया गया था जिसे YouTube के माध्यम से लाइव स्ट्रीम भी किया गया था 147,148 इसे 18 मई को कांस फ़िल्म फ़ेस्टिवल में आधिकारिक चयन स्क्रीनिंग में भी प्रदर्शित किया गया जहां इसे दर्शकों से पांच मिनट तक खड़े होकर सराहना मिली कांस प्रीमियर में क्रूज़ और उनके करियर को श्रद्धांजलि शामिल थी 149,150 अगले दिन फ़िल्म और टीवी चैरिटी की सहायता स लंदन के ओडियन लक्स लिसेस्टर स्क्वायर में रॉयल फिल्म परफ़ॉर्मेंस में इसका यूके प्रीमियर हुआ ये फिल्म महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के शासनकाल का आख़िरी रॉयल फिल्म प्रदर्शन था क्योंकि उसी वर्ष बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी 151 स्क्रीनेक्स एक सौ इक्यावन स्क्रीनिंग्स थिएटर्स एक सौ बावन और एएमसी थियेटर्स एक सौ तिरपन एक सौ चौवन ने चौबीस मई दो हज़ार बाईस को संयुक्त राज्य भर में सीमित स्थानों पर अर्ली एक्सेस इवेंट स्क्रीनिंग आयोजित की होम मीडिया एप्पल टीवी जोड़ ने टॉप गन मेवरिक के वितरण अधिकार खरीदने का प्रयास किया लेकिन पैरामाउंट ने उन्हें बेचने से इनकार कर दिया फ़िल्म के सिनेमाकॉन प्रीमियम में जब पूछा गया कि एप्पल और अन्य स्ट्रीमिंग कंपनियां वितरण अधिकार खरीदने का प्रयास कर रही हैं तो ब्रुखाइम ने कहा कि फ़िल्म का हमेशा से ही बड़ा स्क्रीन गंतव्य रहा है कांस में फिल्म के प्रीमियर पर क्रूज ने इस बात से भी इनकार किया कि फ़िल्म स्ट्रीमिंग के लिए जा रही है 155 मिलियन 156,157 इस मॉडल के बावजूद कि ज्यादातर फ़िल्में सिनेमाघरों में रिलीज़ होने का 45 दिन बाद स्ट्रीमिंग पर शुरू होती हैं एक क्रूज के आग्रह और लगातार सप्ताह के कारण पैरामाउंट ने टॉप गन मेवरिक को लंबे समय तक सिनेमाघरों में रखने का फ़ैसला किया फिल्म के सप्ताह दर सप्ताह बॉक्स ऑफिस परिणाम फिल्म को 23 अगस्त 2022 को मानक परिभाषा उच्च परिभाषा और यूएचडी में डिजिटल रूप से रिलीज किया गया था इसके बाद 1 नवंबर 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका एक और अक्टूबर में अल्ट्रा एच डी ब्लू रे ब्लू रे और डीवीडी रिलीज किया गया था 31 दो हज़ार बाईस यूनाइटेड किंगडम में 160 इसमें चुनिंदा दृश्य यो में एक दशमलव नौ शून्य एक का विस्तारित पहलू अनुपात शामिल है जैसा कि आईमैक्स स्क्रीनिंग में देखा गया था फिल्म के निर्माण पर चार फीचर क्रूज पचहत्तरवें कांस फिल्म फेस्टिवल में अपने करियर पर चर्चा और इसमें दिखाए गए गानों के दो संगीत वीडियो शामिल हैं द फिल्म एक सौ इकसठ पैरामाउंट जोड़ और स्काई शो टाइम पैरामाउंट ग्लोबल और स्काई ग्रुप दोनों के बीच संयुक्त उद्यम के तहत ने किसी भी सेवा के लिए ग्राहक की सदस्यता के हिस्से के रूप में टॉप गन मेवरिक को 22 दिसंबर 2022 को स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध कराया 162,163 संयुक्त राज्य अमेरिका में टॉप गन मेवरिक पैरामाउंट जोड़ पर पहली बार सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बन गई एक स्वागत बॉक्स ऑफिस टॉप गन मेवरिक ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 718 डॉलर और 70 सेंट मिलियन और अन्य क्षेत्रों में 777 डॉलर मिलियन की कमाई की जिससे दुनिया भर में कुल एक डॉलर चार बिलियन की कमाई हुई चार पांच ये फिल्म 17 जून 2022 को दुनिया भर में 800 डॉलर मिलियन का आंकड़ा पार करने के बाद क्रूज के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई एक सौ पैंसठ छब्बीस जून को फिल्म ने एक बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया और महामारी के दौर में ऐसा करने वाली दूसरी फिल्म बन गई 166,167 ये 2022 में रिलीज हुई दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है अवतार द वे ऑफ वाटर के बाद एक सौ द वाशिंगटन पोस्ट के लिए लिखते हुए सन्नी बंच ने तर्क दिया कि स्पाइडरमैन नो वे होम के साथ फिल्म की अतीय सफलता दर्शाती है कि हॉलीवुड फ़िल्म के लाभदायक होने के लिए चीन में नाटकीय रिलीज हासिल करना अनिवार्य नहीं है 119 डेडलाइन हॉलीवुड ने उत्पादन बजट विपणन प्रतिभा भागीदारी और अन्य लागतों को ध्यान में रखते हुए फ़िल्म के शुद्ध लाभ की गणना तीन सौ इक्यानवे डॉलर और 10 सेंट मिलियन की बॉक्स ऑफिस की कमाई और घरेलू मीडिया राजस्व ने इसे 2022 की सबसे मूल्यवान ब्लॉकबस्टर की सूची में दूसरे स्थान पर रखा एक संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में टॉप गन मेवरिक 2022 में रिलीज हुई सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी 4169 इसने अपने शुरुआती तीन दिवसीय सप्ताहांत में 126 डॉलर और 70 सेंट मिलियन और चार दिवसीय मेमोरियल डे सप्ताहांत में 160 डॉलर 5 मिलियन की कमाई की बॉक्स ऑफिस पर पहले स्थान पर रही और क्रूज़ के पिछले करियर के सर्वश्रेष्ठ को लगभग दोगुना कर दिया फ़िल्म को सबसे बड़ा मेमोरियल डे चार दिवसीय शुरुआती सप्ताहांत भी मिला 170 अपने दूसरे सप्ताहांत में इसने 90 डॉलर मिलियन की कमाई की उनतीस प्रतिशत की गिरावट उस फिल्म के लिए अब तक की सबसे छोटी गिरावट थी जिसने 100 डॉलर मिलियन से अधिक की शुरुआत की थी और श्रेक दो मई 2004 में 108 डॉलर मिलियन की पहली फ़िल्म से इसके दूसरे सप्ताहांत में तैंतीस प्रतिशत की गिरावट को पीछे छोड़ दिया एक फ़िल्म को उसके तीसरे सप्ताहांत में नवागंतुक जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन द्वारा गद्दी से उतार दिया गया हालांकि फिर भी उसने इक्यावन डॉलर और नब्बे सेंट मिलियन की कमाई की एक यह फ़िल्म रिलीज के पहले दस हफ्तों के दौरान बॉक्स ऑफ़िस पर शीर्ष पांच में बनी रही एक सौ तिहत्तर अंततः फ़िल्म अपने ग्यारहवें सप्ताहांत में बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पांच से बाहर हो गई और सात डॉलर मिलियन के साथ छठे स्थान पर रही एक सौ चौहत्तर अपने बारहवें सप्ताहांत में ये फ़िल्म चार सौ से अधिक सिनेमाघरों में पुनः रिलीज़ हुई और सात एक मिलियन डॉलर कमाकर दूसरे स्थान पर वापस आ गई एक सौ पचहत्तर एक सौ छिहत्तर अपने पंद्रहवें सप्ताहांत में फ़िल्म ने छह मिलियन डॉलर और चार दिवसीय मजदूर दिवस के दौरान कुल सात दशमलव नौ मिलियन डॉलर कमाए और बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर लौट आई एक सौ सतहत्तर बॉक्स ऑफिस विश्लेषकों ने बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की लंबी उम्र का श्रेय सकारात्मक आलोचनात्मक समीक्षाओं और मौखिक प्रचार को दिया वन हंड्रेड सेवेंटी एट थाउजेंड वन हंड्रेड सेवेंटी नाइन अमेरिका और कनाडा के बाहर फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में बासठ बाज़ारों से 124 डॉलर मिलियन की कमाई की यह उन 32 बाजारों में क्रूज की अब तक की सबसे बड़ी शुरुआत थी और उनमें से 18 में लाइव एक्शन फिल्म के लिए पैरामाउंट की सबसे अच्छी शुरुआत थी इसके शुरुआती सप्ताहांत में सबसे बड़े बाजार यूनाइटेड किंगडम उन्नीस डॉलर और चालीस सेंट मिलियन फ्रांस ग्यारह डॉलर और सत्तर सेंट मिलियन ऑस्ट्रेलिया दस डॉलर और सत्तर सेंट मिलियन जापान नौ डॉलर और सत्तर सेंट मिलियन और जर्मनी छह डॉलर और पचास सेंट मिलियन थे इस फिल्म ने मध्य पूर्व छह डॉलर और तीस सेंट मिलियन ब्राजील 5 डॉलर और तीस सेंट मिलियन नीदरलैंड टू डॉलर्स, चार मिलियन स्वीडन दो डॉलर और बीस सेंट मिलियन बेल्जियम एक डॉलर और सत्तर सेंट मिलियन न्यूजीलैंड एक डॉलर और चालीस सेंट मिलियन में क्रूज के करियर की सर्वश्रेष्ठ शुरुआत की पोलैंड एक डॉलर और बीस सेंट मिलियन अर्जेंटीना एक डॉलर और बीस सेंट मिलियन फिनलैंड एक डॉलर और दस सेंट मिलियन और पुर्तगाल सेवन हंड्रेड सेवेंटी थाउजेंड डॉलर्स आईमैक्स ने अमेरिका और कनाडा के बाहर अपने शुरुआती सप्ताहांत में दस दशमलव चार मिलियन डॉलर की कमाई की एक सौ अस्सी अगले सप्ताहांत में इसने पिचासी डॉलर और अस्सी सेंट मिलियन की कमाई की जो मात्र 16 प्रतिशत कम थी जिसमें आईमैक्स स्क्रीनिंग से प्राप्त 18 डॉलर 5 मिलियन शामिल थे एक सौ इक्यासी अठारह सितंबर दो तक शीर्ष बाजार यूनाइटेड किंगडम 102 डॉलर मिलियन जापान तिरानवे डॉलर और 60 सेंट मिलियन दक्षिण कोरिया सड़सठ डॉलर और 20 सेंट मिलियन ऑस्ट्रेलिया चौंसठ डॉलर और 30 सेंट मिलियन और फ्रांस अट्ठावन डॉलर और बीस सेंट मिलियन हैं एक सौ बयासी आलोचनात्मक प्रतिक्रिया टॉम क्रूज को फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए आलोचकों की प्रशंसा मिली कुछ समीक्षकों ने कहा कि यह उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ में से एक है आठ समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमैटोज पर 476 आलोचकों की समीक्षाओं में से छियानवे प्रतिशत सकारात्मक हैं जिनकी औसत रेटिंग आठ बीस बटा दस है वेबसाइट की सर्वसम्मति में लिखा है टॉप गन मेवरिक ने चार जी इन्वर्टेड डाइव से भी अधिक पेचीदा उपलब्धि हासिल की है जो एक लंबे समय से विलंबित सीक्वल पेश करता है जो बेहद मनोरंजक शैली में अपने पूर्ववर्ती से आगे निकल जाता है एक सौ तिरासी मेटाक्रिटिक, जो एक भारत औसत का उपयोग करता है ने तिरसठ आलोचकों के आधार पर फिल्म को सौ में से अठहत्तर का स्कोर दिया जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है एक सौ चौरासी सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को ए जोड़ से एफ पैमाने पर एक दुर्लभ ए जोड़ ग्रेड दिया जबकि पोस्ट्रैक ने बताया कि छियानवे प्रतिशत दर्शकों ने इसे सकारात्मक स्कोर दिया चौरासी प्रतिशत ने कहा कि वे निश्चित रूप से इसकी अनुशंसा करेंगे एक सौ सत्तर डेडलाइन हॉलीवुड के पीट हैमेंट ने सीक्वल को मूल फ़िल्म से बेहतर बताया एक न्यूयॉर्क टाइम्स के आलोचक एओ स्कॉट ने इसे पतली अत्यधिक श्रमसाध्य और कभी कभी बहुत आनंददायक फिल्म कहा और इस थीसिस का एक गंभीर बयान है कि फ़िल्में महान हो सकती हैं और होनी भी चाहिए एक पीटर ब्रेडशो ने द गार्जियन में लिखा है कि क्रूज ने एक फिल्म में नेवी पायलट हॉटशॉट के रूप में अपनी पहली भूमिका से कुछ आश्चर्यजनक मतभेदों की अध्यक्षता की है जिसमें 80 के दशक के मूल समलैंगिक तनाव गायब हैं एक सौ सतासी द रैप के अलोसो डल्डे ने लिखा कि फिल्म एक योग्य सीक्वल के रूप में गिना जाता है क्योंकि यह मूल की तरह ही कई मायनों में सफल और विफल होती है एक सौ द गार्जियन में लिखते हुए मार्क कैमोड ने फिल्म को एक आंखें झकझोर देने वाली ब्लॉकबस्टर बताया है जो आपकी सांसें थाम लेने में कामयाब है एक सौ नवासी एंटरटेनमेंट आईई के ब्राइन लॉर्ड की चार सितारा समीक्षा में कहा गया है कि फिल्म उड़ते हुए रंगों से आगे है और एक ऐसी दुनिया में मौजूद है जो खुद ही बनाई गई है इसमें सुनहरे सूर्यास्त पूरी तरह से कुरकुरा सफ़ेद टी शर्ट उत्कृष्ट रूप से कटे हुए बाल हैं और लंबे समय तक बनी रहने वाली रोमांस की लपटें जिनका विरोध करना असंभव हो जाता है एक सौ नब्बे द इंडिपेंडेंट के मुख्य संपादक क्लारिस लॉफरी ने लिखा है कि यह फ़िल्म जितनी ब्लॉकबस्टर फिल्में होती हैं उतनी ही रोमांचकारी है यह आपकी सीट के किनारे की तरह मुट्ठी पंपिंग शानदार र है जो अजनबियों से भरे पूरे कमरे को एकजुट कर सकती है अंधेरे में और उन्हें उनकी आंखों में दुख भरे आंसू के साथ छोड़ दो एक सौ इक्यानवे द न्यूयॉर्कर के रिचर्ड ब्रॉडी ने लिखा नई फिल्म नवीकरण की तुलना में अगली कड़ी कम उन्नीस के हवाई युद्ध के नाटक को आज की राजनीति से जोड़ती है एक सौ बानवे रोजेबट कॉम के टॉमरिस लफली ने लिखा मैवरिक के भावनात्मक स्ट्रोक भी उस बड़े स्क्रीन के समान रूप से योग्य हैं जो एक अप्रत्याशित पंच पैक करते हैं एक फ़िल्म निर्माताओं की प्रतिक्रिया 3 अगस्त 2022 को फ़िल्म निर्माता क्वेंटन टारंटिनो ने टॉप गन मेवरिक को शानदार कहा क्योंकि स्टीवन स्पीलबर्ग की वेस्ट साइड स्टोरी के साथ फ़िल्म ने एक सच्चा सिनेमाई तमाशा प्रदान किया जिस तरह का मैंने लगभग सोचा था कि मैं था अब और नहीं देखूंगा मूल टॉप गन निर्देशक दिवंगत टोनी स्कॉट के लंबे समय से प्रशंसक के रूप में उन्होंने कहा ये बस एक प्यारा प्यारा पहलू था क्योंकि मैं टोनी स्कॉट के दोनों सिनेमा को बहुत पसंद करता हूँ और मैं टोनी को इतना प्यार करता हूँ कि यह उतना ही करीब है जैसा कि हम का भी टोनी स्कॉट की एक और फिल्म देखने जा रहे हैं टोनी का सम्मान और प्यार हर फ्रेम में था ये सचेत रूप से वहीं था लेकिन इस शानदार तरीके से वास्तव में सम्मानजनक था एक सौ चौरानवे रिडले स्कॉट टोनी के बड़े भाई और जिनके साथ क्रूज ने उन्नीस की फिल्म लीजेंड में काम किया था को मेवरिक के लिए एक निजी स्क्रीनिंग दी गई थी 195,196 ब्रुकहाइमर ने कहा सबसे अधिक हृदयस्पर्शी चीजों में से एक जो मैंने अनुभव किया वह है जब हमने टोनी के भाई रिडले को फ़िल्म दिखाई उन्होंने फ़िल्म के लिए उनकी प्रशंसा की और टॉम ने टोनी का सम्मान करने के लिए जिस तरह का ध्यान रखा वो प्रशंसनीय था पूरी फिल्म के दौरान हर किसी के दिमाग में यही बात सबसे ऊपर थी हालांकि एलियन रोमोलस स्कॉट द्वारा निर्मित के निर्देशक फेडे अल्वारेज़ ने बाद में कहा कि स्कॉट के मन में मेवरिक के प्रति अधिक नकारात्मक भावनाएं थीं अलवारेज ने कहा मैंने उनसे नए टॉप गन के बारे में पूछा और वह मेह की तरह थे मुझे ऐसा लगा आप किस बारे में बात कर रहे हैं और वह ऐसा था मेरे भाई का मूल था और यह एह जैसा है वह वास्तव में इसका सम्मान करते थे लेकिन आप देख सकते थे कि वह कितने सख्त थे 195 मिलियन वन अमेरिकी सेना की भूमिका फ़िल्म को संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग और संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना द्वारा सक्रिय रूप से समर्थित और प्रभावित किया गया था ताकि अमेरिकी सेना को सकारात्मक रोशनी में पेश किया जा सके और भर्ती और प्रतिधारण में सहायता मिल सके चौहत्तर फ़िल्म की स्क्रीनिंग से पहले अमेरिकी वायुसेना ने भर्ती विज्ञापन भी चलाए एक इसके चलते कुछ लोगों ने फिल्म को दुष्प्रचार कहकर इसकी आलोचना की 199 बिलियन 200 मिलियन टू प्रशंसा मुख्य लेख टॉप गन मेवरिक द्वारा प्राप्त प्रशंसाओं की सूची पचानवे अकादमी पुरस्कारों में टॉप गन मेवरिक को सर्वश्रेष्ठ चित्र सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा सर्वश्रेष्ठ मूल गीत सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन और सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभावों के लिए नामांकन प्राप्त हुआ और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि का पुरस्कार जीता 203 फ़िल्म के अन्य नामांकनों में चार ब्रिटिश अकादमी फ़िल्म पुरस्कार दो सौ क्रिटिक्स चवाइस मूवी पुरस्कार एक विजेता 205 और दो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार शामिल हैं 206 इसे दो राष्ट्रीय समीक्षा बोर्ड पुरस्कार मिले और अमेरिकी फ़िल्म संस्थान द्वारा इसे 2022 की शीर्ष दस फिल्मों में से एक नामित किया गया 207,208 मुकदमा जून 2022 में इजरायली लेखक एहुद योने के परिवार ने जिन्होंने मई उन्नीस में कैलिफोर्निया लेख टॉप गन्स लिखा था जिसने पहली फ़िल्म को प्रेरित किया था ने टॉप गन मेवरिक की रिलीज़ पर कॉपीराइट उल्लंघन के लिए पैरामाउंट पर मुकदमा दायर किया और हर मांगा फिल्म के वितरण के ख़िलाफ़ निषेधाज्ञा जेरी ब्रुकहाइमर ने मूल फ़िल्म का निर्माण किया जिसकी पटकथा जिम कैश मृत्यु 2000 और जैक एप्स जूनियर द्वारा लिखी गई थी सभी तीन व्यक्तियों ने अगली कड़ी में भाग लिया 209 मुकदमे के अनुसार पैरामाउंट ने योने के लेख के लिए विशेष फ़िल्म अधिकार प्राप्त किए थे लेकिन 35 साल के कॉपीराइट कानून की अनदेखी की जिसमें 2012 में लेखक की मृत्यु के बाद जनवरी 2020 में अधिकार योने की विधवा शोष और बेटे युवल को वापस कर दिए गए 210 मुकदमे में दावा किया गया कि मेवरिक में मूल लेख के समान तत्व शामिल हैं और कॉपीराइट समाप्ति की सूचना मिलने के बाद भी पैरामाउंट ने फ़िल्मांकन जारी रखा फिल्म वितरक ने अधिकांश सीक्वल को उससे पहले पूरा माना और इस बात से इनकार किया कि मेवरिक योने के लेख से लिया गया था 211 211-212 अप्रैल 2024 में मुकदमा खारिज कर दिया गया 213,214 भविष्य मई 2022 में टेलर ने खुलासा किया कि वह पैरामाउंट पिक्चर्स के लिए एक सीक्वल की पेशकश कर रहे थे जिसका अस्थाई शीर्षक टॉप गन रूस्टर होगा और उनके चरित्र पर केंद्रित होगा 215 उसी वर्ष जुलाई तक उन्होंने कहा कि सीक्वल के संबंध में क्रूज के साथ उनकी चर्चा चल रही है 216 जनवरी 2024 में ये बताया गया कि एक सीक्वल विकसित किया जा रहा है 217,218 ये भी देखें फिल्म पोर्टल बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन के आधार पर फिल्म सीक्वल की सूची टॉप गन मेवरिक में क्रूज़ की भागीदारी की घोषणा जनवरी 2016 में की गई थी चौवालीस उन्हें 12 डॉलर से 14 डॉलर मिलियन के बीच भुगतान किया गया था 45 साथ ही फ़िल्म की बॉक्स ऑफिस कमाई का एक हिस्सा जो कुल मिलाकर 100 डॉलर मिलियन से अधिक था छियालीस वेल किलमर जो अब कैंसर मुक्त हैं ने फिल्म में अपनी भूमिका को दोबारा निभाने के लिए अपने फेसबुक पेज पर अभियान चलाया था सैंतालीस जून 2018 में द रैप ने बताया कि वो फिल्म में दिखाई देंगे 48 जबकि ब्रुखाइमा और फ़िल्म निर्माता किल्मर को वापस लाना चाहते थे क्रूज ने इस पर जोर दिया अगस्त 2018 में पॉवेल एक पायलट प्रशिक्षु की भूमिका में कलाकारों में शामिल हो गए जो उनके लिए बड़ा था उन्होंने क्रूज़ ब्रुखाइमा और पैरामाउंट और स्काईडांस मीडिया के अधिकारियों को अपने ऑडिशन से प्रभावित किया तिरपन उन्हें अहंकारी जल्लाद की भूमिका दी गई जब उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मूल रूप से उनका नाम स्लेयर रखा गया पॉवेल शुरू में इस भूमिका को लेने की संभावना से प्रभावित नहीं थे उनका मानना था कि यह किरदार एक आयामी डिक गानिश और नेवी ड्रेको मालफॉय था जिसका रूस्टर के चरित्र आंख में संघर्ष जोड़ने के अलावा कोई भुगतान या मौजूद होने का कोई कारण नहीं था क्रूज ब्रुखाइम कोसिंसकी और मैक्वेरी उन्हें ये समझाने में कामयाब रहे कि वह हैंगमैन को और अधिक अच्छी तरह से विकसित चरित्र बनाने के लिए अपने प्रदर्शन को आकार दे सकते हैं क्रूज ने पॉवेल को विभिन्न संस्कृतियों में बॉडी लैंग्वेज पर सलाह दी जिससे उन्हें जल्लाद की भूमिका निभाने में मदद मिली ताकि वैश्विक दर्शक भावनात्मक रूप से चरित्र से जुड़ सकें चावन उसी महीने में मोनिका बारबेरो थॉम्सन मैकेंजी चार्ल्स पार्नेल ज एलिस बशीर सलाहुद्दीन डैनी रामेरेज एड हैरिस जॉन हैम और लुईस पुलमैन फिल्म के कलाकारों में शामिल हुए बारबेरो, पुलमैन एलिस और रामेरेज ने एविएटर प्रशिक्षुओं की भूमिका निभाई जबकि मैकेजी को कॉनली के चरित्र की बेटी की भूमिका निभानी थी पाँच पांच पांच छ पाँच, पाँच, पाँच सात आधिकारिक प्रस्ताव या स्क्रिप्ट दिए जाने से पहले हैम ने फिल्म पर हस्ताक्षर किए अट्ठावन सितंबर 2018 में मैनी जैसिंटो कलाकारों में शामिल हुए उनसठ अक्टूबर 2018 में कारा वैंग जैक शुमाकर ग्रेग टाजन डेविस जैक पिकिंग ली, जीन लुइसा केली और लिलियाना रे कलाकारों में शामिल हुए साठ रे ने मैकेजी का स्थान लिया जो लॉस्ट गर्ल्स 2020 पर हस्ताक्षर करने के बाद फिल्म से बाहर हो गईं इकसठ नवंबर 2018 में चेल्सी हैरिस कलाकारों में शामिल हुईं। बासेट केली मैकगिलिस मेग रयान और आरोन और एडम वीज ज सभी मूल फिल्म में दिखाई दिए थे उन्हें अगली कड़ी में दिखाई देने के लिए नहीं कहा गया था छ तीन छ चार छ पाँच वेनिटी फेयर और जीक्यू के साथ साक्षात्कार के अनुसार लुइस हैमिल्टन को क्रूज के साथ उनकी दोस्ती के कारण लड़ाकू पायलट की भूमिका की पेशकश की गई थी लेकिन उन्होंने फार्मूला वन प्रतिबद्धताओं के कारण इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया छियासठ सड़सठ फिल्मांकन फिल्मांकन यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हुआ ये भ्रम पैदा करने के लिए कि उड़ान दृश्यों के दौरान अभिनेता जेट का संचालन कर रहे थे निर्माताओं ने अठारह ई एकल सीट और अठारह एफ दोहरी सीट सुपर हॉनेट और पायलटों को उड़ाने के लिए नौसेना को प्रति उड़ान घंटे ग्यारह डॉलर का भुगतान किया उन्हें बाहरी शॉट्स के लिए असली नौसेना पायलटों ने ई संस्करण उड़ाया उड़ान में अभिनेताओं के शॉट्स के लिए सामने की सीट पर वास्तविक पायलट के साथ एफ़ संस्करण का उपयोग किया गया था अड़सठ एक अठारह एफ़ में पिछली सीट पर बैठे एक अभिनेता का फ़िल्मांकन करने के लिए विशेष कैम रे लगाए गए थे क्रूज़ ने अभिनेताओं को उड़ान भूमिकाओं के साथ प्रशिक्षित करने के लिए तीन महीने का बूट कैंप डिज़ाइन किया ताकि उन्हें एरोबैटिक्स और उच्च जी फोर्स का आदि बनाया जा सके साथ ही कैमरा उपकरण संचालित करने के लिए आवश्यक स्थानिक जागरूकता पैदा की जा सके नौसेना द्वारा सामरिक जेट में यात्रियों के लिए कुछ प्रशिक्षण की आवश्यकता थी जिसमें पानी के नीचे निकासी भी शामिल थी उनहत्तर बारबेरो ने कहा कि कलाकारों ने चक कोलमैन द्वारा उड़ाए गए अतिरिक्त 300 सौ एल में एरोबैटिक्स का अनुभव किया जिसमें 18 एफ में उड़ान से ठीक पहले भी शामिल था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके शरीर में आवश्यक सहनशीलता है उन्होंने उन महिला पायलटों की भी प्रशंसा की जिनके साथ उन्होंने फ़िल्मांकन प्रक्रिया के दौरान काम किया था और टिप्पणी की कि सैन्य विमानन समुदाय प्रगतिशील है लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि लिंगवाद अभी भी यहाँ और वहाँ छोटे छोटे क्षणों में मौजूद न हो ये बराबर है ऐतिहासिक रूप से पुरुष प्रधान स्थानों में महिलाओं के लिए पाठ्यक्रम के लिए इसलिए मुझे खुशी है कि हमने इसे इसमें रखा सत्तर कैमरों को ठीक से चलाने के लिए अभिनेताओं को प्रकाश व्यवस्था छायांकन और संपादन भी सीखना पड़ा क्योंकि जैसा कि ब्रुखाइमर ने कहा था जब वे जेट में होते हैं तो उन्हें अनिवार्य रूप से खुद को निर्देशित करना होता है इकहत्तर फिल्म का प्रारंभिक निर्माण आधिकारिक तौर पर 30 मई 2018 को सैन डिएगो में शुरू हुआ बहत्तर तिहत्तर चालक दल ने नेवल एयर स्टेशन फालोन में हवाई शॉट फिल्म चौहत्तर अगस्त के अंत में पैरामाउंट और ब्रुखाइमा फिल्म्स के पंद्रह व्यक्ति फिल्म दल ने नौफॉक स्थित विमानवाहक यूएसएस अब्राहम लिंकन पर उड़ान डेक संचालन की शूटिंग की पचहत्तर छिहत्तर फरवरी 2019 के मध्य में क्रूज और प्रोडक्शन क्रू को एनएएस नॉर्थ आयलैंड में यूएसएस थियोडोर रूजवल्ड पर देखा गया था सतहत्तर मार्च में कैस्केट पर्वत का फिल्मांकन वाशिंगटन के ओ में नेवल एयर स्टेशन विडबी द्वीप पर पूरा हुआ जहां 18 के फिल्मांकन से पहले हेलीकॉप्टर और एल उन्तालीस द्वारा मार्गों की जांच की गई थी सात आठ सात चार सात नौ उन्नीस जून 2019 को माइल्स टेलर ने एक साक्षात्कार में खुलासा किया कि उन्होंने दो दिन पहले ही फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली थी अस्सी मुख्य फोटोग्राफी 15 अप्रैल 2019 तक सैन डिएगो लेमूर चाइना लेक इक्यासी चिको बयासी और कैलिफोर्निया में लेक ताहो में निर्धारित की गई थी तिरासी सिएटल चौरासी और पेटेक्सेंट नदी मैरीलैंड पिचासी हेरिस के साथ लो पास दृश्य को चीन झील पर फिल्माया गया था जिसमें ब्लू एंजल्स विमान को 50 फीट 15 मीटर से भी कम ऊंचाई पर 450 सौ पचास के एन मील प्रति घंटे 830 किलोमीटर घंटा के आसपास उड़ाया गया था जो 20 तारीख और आख़िरी को था गार्ड झोंपड़ी से खींची गई छत सामग्री को केवल रोमैक्स केबल द्वारा पकड़कर उड़ा दिया गया चौहत्तर पोस्ट प्रोडक्शन और संपादन कार्यों की देखरेख कोसिंस्की ने कोविड 19 महामारी लॉकडाउन के दौरान अपने घर पर की थी छियासी फिल्म को आईमैक्स प्रमाणित सोनी वेनिस 6 के पूर्ण फ्रेम कैमरों का उपयोग करके आईमैक्स प्रारूप में शूट किया गया था सतासी कोसिंस्की ने कहा कि टीम ने कॉकपिट के अंदर आईमैक्स कैमरों का उपयोग करने के लिए नौसेना बलों के साथ एक वर्ष से अधिक समय बिताया जिसमें चार कैमरे अभिनेताओं की ओर और, और दो कैमरे आगे की ओर थे इसके अलावा विमान के बाहरी हिस्से में भी कैमरे लगे थे उन्होंने कहा दर्शकों को प्रामाणिकता तनाव गति और गुरुत्वाकर्षण बलों को महसूस करना चाहिए कुछ ऐसा जो साउंड स्टेज या दृश्य प्रभावों के माध्यम से हासिल न किया जा सकता है जिसके लिए जबरदस्त प्रयास और काम की आवश्यकता होती है एनएवीएआईआर इंजीनियरों ने इस एक्शन की स्थिति में सुरक्षा बनाए रखते हुए पैंतरेबाजी और वाहक लैंडिंग के दौरान निरंतर गति और जी बलों का सामना करने के लिए विमान में कैमरों को रिग करने के लिए पवन सुरंग परीक्षण और कंप्यूटर मॉडलिंग का उपयोग किया चौहत्तर चौंतीस चालक दल ने अठारह के बाहर हवाई फ़ुटेज को तीन प्लेटफार्मों पर जिम्बल स्थिर कैमरों के साथ शूट किया दो संशोधित एयरोल उनतालीस अल्बाट्रोस में से एक पर एक नाक माउंटेड रिग जो 350 सौ पचास केएन पर फिल्म बना सकता था 403 मील प्रति घंटे 648 किलोमीटर घंटा और तीन ग्राम एम्ब्र फेनोम पर नाक और पूंछ पर लगे कैमरे एयबस एयरबस एएस 350 हेलीकॉप्टर पर एक नाक पर लगे रिग आठ 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 नौ सात आठ फिल्म के लिए 800 घंटे से अधिक हवाई फुटेज शूट किया गया था चौहत्तर जो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स त्रई में फिल्मों के लिए शूट किए गए संयुक्त फुटेज से अधिक था नब्बे स्टील संरचना को दृश्य निरीक्षण के लिए ऑफसाइट इकट्ठा किया गया था फिर सेट पर नष्ट कर दिया गया और फिर से बनाया गया इक्यानवे वास्तविक जीवन के आईबार से प्रेरित हार्ड डेक बार कोरोनाडो सीएमए नेवल एयर स्टेशन नॉर्थ आइलैंड के ठीक समुद्र तट पर बनाया गया था बानवे विमान अठारह सहित अधिकांश विमानों के लिए उत्पादन दल ने पूरे देश से 20 कार्यशील विमान प्राप्त किए हिंडले ने कहा कि कोसिंस्की ने डिज़ाइन के दौरान हेलमेट सूट प्रॉप्स और कई अन्य चीज़ों सहित हर विवरण के लिए विशिष्टताएं बनाई थीं। इक्यानवे डार्कस्टार काल्पनिक स्टार विमान को लॉकहीड मार्टिन और उसके स्कंक वर्क्स डिवीजन के इंजीनियरों की मदद से डिजाइन किया गया था विमान का एक पूर्ण स्तरीय मॉकअप चीन झील पर बनाया और फिल्माया गया था तिरानवे कोसिंस्की ने कहा हमने स्कंक वर्क से संपर्क करने का कारण ये बताया कि मैं संभवतः सबसे यथार्थवादी हाइपरसोनिक विमान बनाना चाहता था वास्तव में जैसा कि आपने देखा हमने उनके साथ सहयोग में इसे पूर्ण पैमाने पर बनाया लेकिन इसका कारण ये है यह इतना वास्तविक दिखता है क्योंकि यह स्कंक वर्क्स के इंजीनियर थे जिन्होंने हमें इसे डिज़ाइन करने में मदद की इसलिए वे वही लोग हैं जो वास्तविक विमान पर काम कर रहे हैं जिन्होंने हमें इस फिल्म के लिए डार्कस्टार डिज़ाइन करने में मदद की चौरानवे लॉकहीड ने इस बात से इनकार किया कि डार्कस्टार अनक्रूड लॉकहीड मार्टिन एसआर बहत्तर से संबंधित है जिसके अस्तित्व की कंपनी ने कभी पुष्टि नहीं की है पचानवे एफ चौदह टॉप गन मेवरिक से एफ चौदह टॉमकैट का स्क्रीनशॉट डॉग फाइटिंग सीन के लिए जेट को पूरी तरह विजुअल इफ़ेक्ट्स के जरिए दिखाया गया था प्रोडक्शन डिजाइनर जेरेमी हिंडल ने कहा कि एफ़ चौदह टॉमकैट, जिसे पहली फिल्म में दिखाया गया है का उपयोग करना मुश्किल होता ऐसे कोई एफ चौदह नहीं है जो उड़ते हों क्योंकि उन्हें अमेरिका में सेवामुक्त कर दिया गया है और उनमें से सभी इंजन हटा दिए गए हैं इक्यानवे उन्होंने कहा कि वे प्रतिबंधों के कारण ईरान में सक्रिय एफ चौदह टॉमकैट्स का उपयोग करने में सक्षम नहीं थे जो विमान हासिल करने वाला एकमात्र अन्य देश था स्पेयर पार्ट्स के अवैध निर्यात को रोकने के लिए अमेरिका ने एफ फोर्टीन के अपने विशाल बेड़े को सेवानिवृत्त है ने के बाद नष्ट कर दिया या निष्क्रिय कर दिया छियानवे नौसेना की मदद से प्रोडक्शन टीम ने कैलिफोर्निया के सैन डिएगो एयर एंड स्पेस म्यूजियम से एक एफ फोर्टीन ए सुरक्षित किया सत्तानवे हिंडल ने आगे की चुनौतियों का वर्णन किया जिसमें विमान के घटकों को नष्ट करना और शिपिंग करना और विमान को यथासंभव कार्यात्मक बनाना शामिल है हालांकि अभी भी इंजन के बिना इक्यानवे पोस्ट प्रोडक्शन VFX कलाकार फ्रेड लिन ने कहा कि फ़िल्म में सीजीआई का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है एफ चौदह और एसयू सत्तावन को पूरी तरह से कंप्यूटर द्वारा देखा गया था अट्ठानवे जबकि अठारह डॉग फाइटिंग और अंतिम स्ट्राइक दृश्यों को एक ही जेट के साथ शूट किया गया था जिससे फुटेज का निर्माण किया गया था जिसका उपयोग स्क्रीन पर कई जेट बनाने के लिए किया गया था अट्ठानवे फिल्म में लगभग 2,400 हज़ार चार वीएफएक्स थे सभी दृश्य प्रभाव पर्यवेक्षक रयान टुढ़ोप के तहत निर्मित किए गए थे निन्यानवे अधिकांश काम मेथड स्टूडियो और एमपीसी फिल्म द्वारा किया गया था हालांकि लोला वीएफएक्स और ब्लाइंड ने दो डी मोशन ग्राफिक्स प्रशिक्षण विजुअलाइजेशन और जेट के हेड अप डिस्प्ले प्रदान किए थे स्काईवॉकर साउंड ने फिल्म के लिए ध्वनि डिज़ाइन और अस्थायी मिश्रण पर काम किया उन्होंने सिंसिनाटी के जेट इंजन निर्माता जी एविएशन के साथ मिलकर काम करते हुए विमानन ध्वनि प्रभाव तैयार किया सौ डॉल्बी एटमॉस और आईमैक्स में अंतिम ध्वनि संपादन और मिश्रण का काम लंदन स्थित साउंड बाइट स्टूडियोज 101 और ट्विकेनहैम फिल्म स्टूडियोज द्वारा किया गया था रिकॉर्डिंग मिक्सर क्रिस बडन और मार्क टेलर ने मिक्स को पूरा करने के लिए अलग अलग ऑडियो कॉन्फ़िगरेशन के साथ दो थिएटरों में काम किया जो जून और जुलाई 2020 में हुआ 102 गले के कैंसर के इलाज और ऑपरेशन के बाद वेल किल्मर ने प्रभावी ढंग से बोलने की क्षमता खो दी एक शून्य तीन दो शून्य दो एक में उन्होंने एआई तकनीक का उपयोग करके अपनी आवाज़ को डिजिटल रूप से फिर से बनाने और अपनी आवाज़ की ऑडियो रिकॉर्डिंग को संग्रहित करने के लिए यूके स्थित सॉफ्टवेयर कंपनी सोनेंटिक के साथ काम किया जो आवाज़ संश्लेषण में माहिर है 104 सौ चार सोनेंटिक के सहयोग से एक सफल वोकल मॉडल प्रोग्राम तैयार हुआ जिसे किल्मर भविष्य की परियोजनाओं में लागू कर सकता है 104,105 टॉप गन मेवरिक के लिए हालांकि इस तकनीक का उपाय ग नहीं किया गया था निर्देशक जोसेफ़ कोसिंस्की ने एक साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने स्पष्टता बढ़ाने के लिए किल्मर की वास्तविक आवाज़ का उपयोग किया इसे डिजिटल रूप से बदल दिया 106 मूल फिल्म के फ़ुटेज का उपयोग उस दृश्य में किया गया था जहां मेवरिक रूस्टर को पियानो पर ग्रेट बॉलर्स ऑफ फ़ायर बजाते हुए देखता है जिससे गूज के परिवार और मृत्यु की यादें ताज़ा हो जाती हैं 107 फुटेज का उपयोग फ्लैशबैक के रूप में किया गया था ताकि पात्रों के संबंधों को समझाने और इसमें शामिल भावनात्मक संघर्षों को गहरा करने में मदद मिल सके मूल लिपि में इसकी योजना नहीं बनाई गई थी कोसिंस्की ने इस विचार को फिल्म संपादन चरण में पेश किया 108 संगीत मुख्य लेख गन मेवरिक साउंडट्रैक शीर्ष गन संगीतकार हेरोल्ड फॉल्थमेर ने लेडी गागा वन रिपब्लिक और हंस जिमर के साथ जुड़कर अपनी भूमिका दोहराई साउंडट्रैक का, का निर्माण लोरने बाल्फ द्वारा किया गया था साउंडट्रैक 27 मई 2022 को इंटरस्कोप रिकॉर्ड्स और पैरामाउंट म्यूजिक के माध्यम से जारी किया गया था 109,110 इसे दो एकल लेडी गागा द्वारा होल्ड माय हैंड और वन रिपब्लिक द्वारा आई इज नॉट वरीड द्वारा पहली फिल्म से स्कोर में मूल टॉप गन एंथम 111,112 और गीत डेंजर जोन के तत्व भी शामिल हैं जो जियोजियो मोरोडा द्वारा रा रचित और केनी लॉगिन्स द्वारा गाया गया है 113 मार्केटिंग फिल्म के पहले टीजर ट्रेलर का प्रीमियर 18 जुलाई 2019 को सैन डिएगो कॉमिक कॉन 2019 में क्रूज की एक आश्चर्यजनक उपस्थिति के दौरान हुआ 114,115 पहले ट्रेलर को प्रशंसकों से उच्च प्रशंसा मिली कई लोगों ने श्रृंखला की वापसी की सराहना की और कुछ ने इसकी तुलना स्टार वार्ज द राइज ऑफ स्काईवॉकर से की जा रही है 116 सो हॉलीवुड रिपोर्टर ने लिखा कि कुछ प्रशंसकों ने देखा कि चीन गणराज्य का झंडा ताइवान द्वीप पर स्थित चीन गणराज्य की सरकार द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला झंडा और जापान का झंडा उनकी फ़्लाइट जय केट से गायब थे क्रूज के चरित्र और पैरामाउंट पर चीन स्थित सह फाइनेंसर टेंसेंट पिक्चर्स को खुश करने के लिए इसे हटाने का आरोप लगाया गया 117 हालांकि चीन गणराज्य और जापानी झंडे को बाद में बहाल कर दिया गया क्योंकि टेंसेंट ने उत्पादन से हाथ खींच लिया जिसके कारण उन्हें अंतिम फिल्म में श्रेय नहीं दिया गया और इसके बजाय निर्माताओं ने फ़िल्म को चीन में रिलीज नहीं करने का फ़ैसला किया 118,119 दूसरा ट्रेलर दिसंबर 2019 में जारी किया गया था 120 और युवा पीढ़ी के दर्शकों को जोड़ने के लिए पैरामाउंट द्वारा फ़िल्म के लिए एक नया स्नैपचैट फिल्टर पेश किया गया था 121 फरवरी 2020 में खिलौना निर्माता माचिस मेटल के स्वामित्व वाली ने घोषणा की कि वह एफ चौदह टॉमकैट अठारह सुपर हॉनेट और पी सहित टॉप गन डाई कास्ट मॉडल और उत्पादों की एक श्रृंखला जारी कर रही है इक्यावन मस्टैंग साथ ही रोल प्ले आइटम नाटकीय रिलीज़ में देरी के बावजूद उन्हें 1 जून 2020 को सार्वजनिक रिलीज़ के लिए निर्धारित किया गया था 122 जून 2020 में प्लास्टिक मॉडल निर्माता रैवल ने एक बटा अड़तालीस स्केल टॉप गन प्लास्टिक मॉडल की एक श्रृंखला जारी की जिसमें फ़िल्म में विमान पर आधारित एक एफ चौदह ए टॉमकैट और ए का अठारह ई सुपर हॉनेट शामिल है ये संशोधित डिकल्स और चिह्नों के साथ पिछली रेवल पेशकशों के संस्करण हैं 123 जुलाई 2020 में हेस्ब्रो ने एक टॉप गन थीम वाले ट्रांसफॉर्मर खिलौने मेवरिक की घोषणा की जिसे बाद में वर्ष में जारी किया गया था 124 सौ ने बाद में फ़िल्म की अंतिम रिलीज की तारीख से जुड़ने के लिए खिलौने को वॉलमार्ट एक्सक्लूसिव के रूप में फिर से जारी किया 125 26 अगस्त 2021 को सिनेमाकॉन में एक नए ट्रेलर के साथ फिल्म के पहले तेरह मिनट का पूर्वावलोकन किया गया जिसमें टॉम क्रूज ने वस्तुतः इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई 126 जनवरी 2022 में सीबीएस स्पोर्ट्स ने कैंसर सिटी चीफ्स और सिंसिनाटी बैंगल्स के बीच एएफसी चैंपियनशिप गेम के साथ मेल खाते हुए फिल्म से एक नई क्लिप जारी की 127 फरवरी 2022 में पोर्शे से जुड़ी फ़िल्म का अंतिम ट्रेलर सुपर बाउल एलवीआई से पहले प्रसारित किया गया था 128 अप्रैल 2022 में एस कॉम्बैट श्रृंखला के डेवलपर्स प्रोजे कट एसीएस ने एस कॉम्बैट साथ स्काइज़ अननोन विद टॉप गन मेवरिक के लिए एक विमान सहयोग डीएलसी जारी करने की घोषणा की जो फ़िल्म की रिलीज से एक दिन पहले 26 मई को रिलीज हुई 129,130 उसी दिन माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिम्युलेटर के लिए टॉप गन मेवरिक पर आधारित एक मुफ्त विस्तार भी जारी किया गया था जिसमें खेलने योग्य विमान के रूप में 18 सुपरहॉर्नेट और काल्पनिक डार्कस्टार विमान शामिल थे 131 उसी महीने एक इंटरैक्टिव वेबसाइट भी लॉन्च की गई थी एक सौ मई को क्रूज ने प्रमोशन के एक भाग के रूप में एक फाइटर सीक्वेंस को फिर से बनाने के लिए द लेट लेट शो के होस्ट जेम्स कॉर्डन के साथ सहयोग किया 133,134 मैक्सिको सिटी टोक्यो कांस लंदन सैन डिएगो और लॉस एंजल्स में तीन सप्ताह का प्रचार दौरा आयोजित किया गया था 135 इवेंट सिनेमाज ने टॉप गन मेवरिक कलेक्टर कॉम्बो की घोषणा की जिसमें एक कलेक्टर कप में जलपान के साथ एक मध्यम बड़े नमक पॉपकॉर्न की विशेषता है जिसे क्रूज की तस्वीरों के साथ विपणन किया जा रहा है 136 अन्य विपणन सौदों की व्यवस्था एपबी की रेस्तरा श्रृंखलाओं एक और वुडू के साथ की गई थी दोस्तों बजट की बात की जाए तो मूवी का बजट 170 से 177 मिलियन का है और मूवी ने जो कलेक्शन दिया था 1.496 बिलियन का कलेक्शन इसने दिया था आप पिछले जो पार्ट हमें देखने को मिला यानी कि 1 बिलियन से भी ज़्यादा डेढ़ बिलियन आप मान सकते हो एक तरह से इसने जो कलेक्शन दिया था लोगों द्वारा भी इसे बड़ा पसंद किया गया था बाकी ओ टी टी प्लेटफॉर्म की बात किया जाए तो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर आप इसे देख पाओगे बाकी सारी कुछ जानकारी मैंने आपको बता दी है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये हमें एक तरह से पच्चीस एक तरह से अप्रैल दो हज़ार तेईस को किन्य स्कॉन्स में और 27 अप्रैल दो हज़ार चौबीस को यूनाइटेड स्टेट में देखने को मिली थी अब ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है बाकी आप कई जगह से रैंक पर लेकर भी देख सकते हो आज के इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में